अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेखप का स्वागत करती हूँ। शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की झुंड से रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। इन मवेशियों के बीच सड़क पर बैठने या उनके लड़ाई करने से कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस ओर मनपा प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग शहरवासी कर रहे हैं। अकोला शहर में बड़ी संख्या में आवारा जानवर मुक्त संचार करते देखे जा रहे हैं। भीड़ भरी सड़कों पर जमा होने वाले इन जानवरों से यातायात में भारी बाधा पहुँचती है, मगर मनपा प्रशासन इस समस्या से पूरी तरह अनजान है। शहर के प्रमुख मार्गों पर सुबह व शाम के वक्त आवारा जानवरों के बड़े बड़े झुंड बिल्कुल बेखौफ बैठे दिखे जा सकते हैं। बीच सड़क में लड़ते मवेशी वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कभी कभी इनके बीच टक्कर भी हो जाती है, तब ये वाहन चालकों के लिए एक भारी मुसीबत बन जाते हैं। शहर में टावर चौक, सिटी बस स्टैंड चौक और कोटफेल के आपातापा चौक, राजकमल चौक, वसंत देसाई स्टेडियम के पास संतोषी माता मंदिर चौक, मानेक टॉकीज के सामने वाली सड़क आदि कई चौराहों या बीच सड़क पर जगह जगह आवारा जानवरों का झुंड दिखाई देता है। मनपा प्रशासन की ओर से इस समस्या की ओर अनदेखी हो रही है, इस कारण नागरिकों का यातायात की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आवारा मवेशियों के झुंड चौराहों पर ही डेरा जमा रहे हैं, जिससे वाहनों के साथ ही मवेशियों को नियंत्रित करने की नौबत यातायात पुलिस कर्मचारियों पर आ गई है। इन जगहों से गुजरने वाले लोगों को इनसे बचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। विशेष रूप से महिलाओं एवं युवतियों के लिए इनसे बचना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवारा मवेशियों को भरी सड़कों से दूर रखा जाए, ऐसी मांग शहरवासी कर रहे हैं। अकोला 24 न्यूज के लिए कैमरामैन सईद खान के साथ समीर खान की रिपोर्ट।